नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शैली और आप लोगों को स्टडी विद शैली में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम ह्यूमन इवोल्यूशन पार्ट वन के अंतर्गत इवोल्यूशन ऑफ प्राइमेट्स के बारे में जानेंगे, साथ ही साथ उनकी डेफिनेशन, फीचर्स एंड डिविशंस के ऊपर भी चर्चा करेंगे। नाउ व्हाट इज ह्यूमन इवोल्यूशन? ह्यूमन इवोल्यूशन क्या है? यहाँ पर क्या लिखा गया है? अ लेंथी प्रोसेस बाय विच ह्यूमन बीइंग्स डेवलप्ड ऑन अर्थ फ्रॉम नाउ एक्सटिंक्ट प्राइमेट्स। मतलब क्या है ह्यूमन इवोल्यूशन? एक लंबी प्रक्रिया है जिनके द्वारा एक्सटिंक्ट या विलुप्त हो चुके प्राइमेट से ही ह्यूमन बीइंग्स इवॉल्व हुए हैं। अब इसे लेंथी प्रोसेस क्यों कहा गया है? देखो, हमारी पृथ्वी के निर्माण हुए और उसके काफी समय के बाद पहले ओवरटर लाइफ में बैक्टीरिया प्रोटोजोया दिखने को मिले, उसके बाद क्या हुआ, टेरेस्ट्रियल लाइफ दिखने को मिले। और टेरेस्ट्रियल लाइफ में अगर वृक्ष के बारे में हम चर्चा करें तो हमें पहले ब्रायोफाइट्स, देन टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, कॉनिफर्स, लस्ट, एंजियोस्पर्म दिखने को मिले। और जीव मंडल में ऊपर यार ध्यान दिया जाए तो एम्फीबियंस, उससे पहले भी बहुत सारे जीव थे, उनमें भी बदलाव आए, तो एम्फीबियंस, रिप्टाइल्स होते होते प्राइमेट्स का इवोल्यूशन हुआ और उसी प्राइमेट में भी काफ़ी बदलाव आए, तब जाके जो वर्तमान ह्यूमन बींग्स हैं उनके रूप ले लिए। नेक्स्ट पॉइंट इज डेफिनेशन ऑफ प्राइमेट्स, मतलब प्राइमेट्स की संज्ञा क्या है, किसे प्राइमेट्स कहा जाता है। देखो क्या लिखा है, एनी प्लेसेंटल मैमल व्हिच हैज क्लॉज एंड नेल्स। कोई भी प्लेसेंटल मैमल जिनके पास क्लॉज और नेल्स होता है उन्हें प्राइमेट कहा जाता है। अब जिनके पास क्लॉज एंड नेल्स होता है उन्हें अनगुइकुलेट कहा जाता है। अब प्लेसेंटल मैमल क्यों कहा गया है? मैमल शब्द का अर्थ तो पता है, स्तन्यपायी जीव। अब प्लेसेंटल क्यों है? देखो प्लेसेंटा जो है वो एक ऑर्गन है, ठीक है, मतलब ऑर्गन हम नहीं कह सकते, इसे एक मीडियम कह सकते हैं ऑर्गेनिक। तो प्लेसेंटा क्या है? एक मीडियम है जिससे क्या होता है, मदर की यूटेरियस वॉल फिटस मतलब बेबी से कनेक्टेड रहता है और उस प्लेसेंटा से ही न्यूट्रिएंट्स जो पदार्थ होते हैं या गैसेस जो मटेरियल्स वगैरह होते हैं वो सारे बच्चे में एक्सचेंज या पास ऑन हो जाता है। नेक्स्ट इज ऑपोजेबल फर्स्ट डिजिट। इसका मतलब क्या है? फर्स्ट डिजिट शब्द का अर्थ है थंब, और क्या है वो, एक दूसरे से ऑपोजिट है, मतलब जो फर्स्ट डिजिट है वो एक दूसरे के ऑपोजिट है और इसी वजह से प्राइमेट्स किसी भी चीज़ को इजीली ग्रैप कर सकता है और मैनिपुलेट कर सकता है। नेक्स्ट इज बॉनी ऑर्बिटल आई रिंग्स। इसका मतलब क्या है? अगर आप फेस के ऊपर ध्यान दो तो फेस के ऊपर एक सॉकेट है, उनमें क्या होता है, उस सॉकेट के अंदर आईबॉल्स प्लेस किया हुआ है और वो जो सॉकेट या जो ऑर्बिट जिसे कह सकते हैं वो बोनी मटेरियल्स मतलब बोन से बना हुआ है। ओके, फॉरवर्ड फेसिंग आईज, ये क्या होता है? देखो प्राइमेट्स के सामने की विजन काफ़ी शार्प या तेज होता है इस फॉरवर्ड फेसिंग आईज की वजह से, वो हाई लेवल की डेप्थ सेंस जो एबिलिटी है उनको प्रदान करता है। अगर प्राइमेट्स किसी भी चीज़ को शिकार करना चाहे या किसी चीज़ को देखना चाहे, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस रखने में ये जो फॉरवर्ड फेसिंग आईज है वो उनकी बहुत बड़ी भूमिका रहती है। नेक्स्ट इज स्टेरियोस्कोपिक विजन। इसका अर्थ क्या है? एबिलिटी टू परसीव ऑब्जेक्ट्स इन 3D, मतलब किसी भी चीज़ को 3D में देखने की क्षमता को ही स्टेरियोस्कोपिक विजन कहा जाता है। रिड्यूस स्नाउट, प्राइमेट्स की जो स्नाउट है मतलब थूथन जो है वो काफ़ी रिड्यूस्ड है, साथ ही साथ उनमें क्या होते हैं, दूसरे मैमल से सूंघने की जो क्षमता या घ्राण शक्ति काफ़ी कम होने लगती है और दूसरे ऑर्गन की क्षमता बढ़ जाती है, जैसे विजुअल एक्विटी वो सारे तेज होने लगता है, पर जो स्नाउट छोटे होने की वजह से घ्राण शक्ति थोड़ी थोड़ी करके कम होने लगती है, एकदम खत्म नहीं हो जाता, कम होने लगता है। नेक्स्ट इज कॉम्प्लीट क्लैविकल। क्लैविकल का मतलब क्या है? कॉलर बोन, मतलब हमारे शर्ट जो होते हैं ना उनके कॉलर के पास जो बोन रहती है उसे हम कॉलर बोन कहते हैं। एक काफ़ी एक लॉन्ग बोन या लंबी बोन है जो शोल्डर ब्लेड और ब्रेस्ट बोन के बीच एक स्टर्ट या खंबे के जैसा काम करता है। लार्ज ब्रेन कॉम्पेयर टू अदर मैमल्स। अब क्या लिखा गया है? देखो लार्ज ब्रेन कॉम्पेयर टू अदर मैमल्स, मतलब दूसरे मैमल से हमारी ब्रेन मतलब प्राइमेट्स की ब्रेन, हम भी तो प्राइमेट्स भी एक बहुत तेज वाले फॉर्म है, ठीक है, तो क्या है, दूसरे मैमल से इस प्राइमेट्स की ब्रेन काफ़ी लार्ज और कॉम्प्लेक्स है। ओके, नेक्स्ट इज थ्री काइंड्स ऑफ टीथ।
अब देखो क्या है, प्राइमेट्स की जो टीथ की जो बनावट है वो दूसरे स्पीसीज या मैमल्स से काफी अलग है, ठीक है, दूसरे स्पीसीज से काफी अलग है। प्राइमेट्स हैव इंसाइजर्स, कैनाइंस एंड मोलर्स। नेक्स्ट और लास्ट क्या है, वेल डेवलप्ड कैकम, मतलब एक कैकम क्या है, एक पाउच जैसे ऑर्गन है जो लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन को कनेक्ट करता है। और इतनी सारी फीचर्स जिसमें दिखाया गया है, जिसमें दिखने को मिलता है, उसे हम प्राइमेट कह सकते हैं। अब हम प्राइमेट्स के फीचर के ऊपर चर्चा करेंगे। अब देखो पॉइंट नंबर वन में क्या है, ऑलमोस्ट ऑल लिविंग प्राइमेट्स हैव फ्लेक्सिबल हैंड्स एंड फीट। ऑलमोस्ट मतलब क्या है, सभी जो लिविंग प्राइमेट्स है उनके पास एक लचीले या फ्लेक्सिबल हाथ और पैर होते हैं। पॉइंट नंबर टू क्या है, एनहांसमेंट ऑफ फ्री मोबिलिटी ऑफ द डिजिट्स स्पेशली ऑफ द पोलेक्स एंड हेलक्स बोथ यूज्ड फॉर ग्रेस्पिंग। क्या होता है, प्राइमेट्स अपनी उंगलियों को इजीली मूव करने में क्या होता है, सक्षम है। पोलेक्स क्या है, हाथ की जो थंब, और हेलक्स क्या है, पैर की जो बड़ी उंगली है। और इनके वजह से क्या होता है, प्राइमेट्स इजीली किसी भी चीज़ को पकड़ पाता है, एक शाखा से दूसरे शाखा में जा पाता है, मतलब ट्रीज में क्लाइम होने में इस पोलेक्स और हेलक्स बहुत ही हेल्पफुल हैं। पॉइंट नंबर थ्री में क्या है, रोटेटिंग शोल्डर जॉइंट। अब ये क्या है, अब देखो प्राइमेट्स के पास भी तो शोल्डर है, वो शोल्डर में बॉल सॉकेट जॉइंट रहता है। अब क्या है, शोल्डर की इस दोनों हड्डियों के एक में क्या होता है, बॉल लाइक एक हेड होता है और दूसरे में सॉकेट लाइक पार्ट होता है। अब क्या होता है, वो जो सॉकेट लाइक पार्ट होता है एक, या जो बॉल लाइक हेड होता है, वो दोनों हड्डी एक दूसरे में फिट हो जाता है। और इस वजह से क्या होता है, प्राइमेट्स अपने जो आर्म्स है ना उनको फ्री मूव कर सकता है, मतलब अपने हाथ को बेंड कर सकता है, एक्सपेंशन कर सकता है, एब्डक्ट कर सकता है, किसी भी चीज़ को पकड़ने में वो सक्षम हो जाता है, ठीक है। पॉइंट फोर में क्या है, स्टेरोस्कोपिक विजन। अब इसके बारे में तो हम पहले भी जाने हैं, इसका अर्थ क्या है, एबिलिटी टू परसीव ऑब्जेक्ट्स इन 3D, मतलब किसी भी वस्तु या चीज़ को 3D में दिखने की जो क्षमता। पॉइंट फाइव, फॉरवर्ड फेसिंग आइज, प्राइमेट्स में दिखाया जाता है फॉरवर्ड फेसिंग आइज, सब में नहीं, प्रोसीमियंस में थोड़ी अलग है, ठीक है, वो साइड से दिखते हैं। अब फॉरवर्ड फेसिंग आइज के साथ साथ हम बायनोकुलर विजन्स को बारे में जानेंगे। बायनोकुलर विजन क्या है, दोनों आँख से ही सामान्य दृष्टि रख पाते हैं, मैंने किसी एक चीज़ को दोनों आँख से ही देखने की जो क्षमता है वो किसके, वो बायनोकुलर विजन है, वो फॉरवर्ड फेसिंग आइज होने की वजह से ही संभव होता है। पॉइंट सिक्स में क्या है, प्रोग्रेसिव एक्सपेंशन ऑफ ब्रेन स्पेशली द सेरिब्रल कॉर्टेक्स। प्राइमेट्स की जो ब्रेन है ना वो दूसरे मैमल्स या बीसीस से काफ़ी लार्ज है और कॉम्प्लेक्स है। अब ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स क्या है, ब्रेन की सेरिब्रम है, उनके जो न्यूरल टिश्यूज की आउटर लेयर है उसे सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहा जाता है, वो थोड़ी सी ग्रे कलर की होती है। अब इस कॉर्टेक्स की वजह से ही क्या होता है, प्राइमेट्स कहो या ह्यूमन बींग्स भी कहो, वो किसी भी चीज़ के ऊपर अटेंशन दे पाता है, वो मेमोराइज कर सकता है, ठीक है, उनका कॉन्शसनेस जम लेता है, अवेयरनेस बढ़ता है। साथ ही साथ अब ह्यूमन बींग्स के ऊपर देखा जाए तो उनको लैंग्वेज सीखने में भी हेल्प करता है। पॉइंट नंबर सेवन, स्ट्रॉन्ग क्लेविकल और कॉलर बोन। अब क्या है, प्राइमेट्स के जो कॉलर के पास एक लॉन्ग बोन है जिसे क्लेविकल कहा जाता है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंड प्रोमिनेंट है। पॉइंट नंबर एट क्या है, क्लॉज इवॉल्व्ड इनटू फ्लैटेंड नेल्स। अब देखो 260 मिलियन ईयर्स एगो में क्या था, अगर हम मैमल्स के एंसेस्टर्स को देखें या रिप्टाइल्स को देखें, उनके पास क्लॉज थे। अब क्या हो रहा है, प्राइमेट्स की जो हाथ और पैर में क्या है, जो पंजे की जगह कौन ले रहा है, फ्लैट नेल्स ले रहा है। ओके, पॉइंट नंबर नाइन में क्या है, मोस्ट ऑफ द प्राइमेट्स आर अर्बोरियल लिविंग इन द ट्रीज एंड अदर प्राइमेट्स आर टेरेस्ट्रियल लिविंग ऑन द लैंड। मतलब ज़्यादातर जो प्राइमेट्स होते हैं वो अर्बोरियल होते हैं, मतलब पेड़ में ही रहते हैं, जैसे लेमूर, बुश बेबीज, टर्शियस, ठीक है, जिनके बारे में हम बाद में जानेंगे, और बाकी सारे टेरेस्ट्रियल हैं, मतलब लैंड में ही रहते हैं, जैसे गोरिल्ला, बेबून, ह्यूमन बींग्स। पर मंकीज है उनमें काफ़ी अलग,
किस्म की कुछ चीज़ें दिखाई देती, वो उनमें अर्बोरियल एंड टेरेस्ट्रियल दोनों फीचर्स ही नज़र आते हैं। पॉइंट 10 में क्या लिखा है, दे हैव अ स्केलेटल स्ट्रक्चर दैट अलाउज अ वाइड रेंज ऑफ मोशन ऑफ द लिम्स, दे कैन लिप क्लाइंब एंड स्विंग फ्रॉम ब्रांच टू ब्रांच, दैट इज कॉल्ड ब्रकेशन, वॉक ऑन फोर लेग्स क्वाड्रपेडल वॉकिंग और नकल वॉकिंग, वॉक ऑन टू लेग्स बाइपेडलिज्म। अब क्या है इसका मतलब, प्राइमेट्स की स्केलेटल स्ट्रक्चर ऐसे बना हुआ है जिससे क्या होता है वो अपनी अपर और लोअर लिम्स को ईजिली मूव कर पाते हैं, और इनके वजह से क्या होता है पेड़ पर रहने वाले प्राइमेट्स छलांग मार सकते हैं, पेड़ पर चढ़ सकते हैं, किसी भी डाल में झूल सकते हैं, एक डाल से दूसरे डाल में जा पाते हैं जिसे ब्रकेशन कहा है, ठीक है, चार पैर पर चल सकते हैं मतलब नकल वॉकिंग कर सकते हैं, साथ ही साथ जो ह्यूमन बींग्स हमने देखा है प्राइमेट्स की इवोल्यूशन के दौरान, ठीक है, वो दो पैर में चलने की क्षमता रखते हैं, बाइपेडलिज्म कहा जाता है। पॉइंट 11 में क्या है, दे हैव थ्री काइंड्स ऑफ टीथ, मतलब प्राइमेट्स के तीन तरह की दांत होते हैं, इंसीजर्स, कैनाइंस एंड मोलर्स, कभी कभार ये भी कहा गया है प्री मोलर्स भी है, तो ठीक है, पर जो टाइप है वो तीन तरीके की है। प्राइमेट्स के इंसीजर्स काटने का काम करते हैं, मतलब फल को काटने का काम, और फोर्क जैसी जो नुकीले दांत होते हैं उन्हें कैनाइन कहा जाता है, वो ज़्यादातर क्या होता है खाने को फाड़ने का काम करता है, और मोलर जो है वो खाना पीसने का काम करता है, इसीलिए इसे ग्राइंडिंग टीथ भी कहा जाता है। अब देखो पेड़ पर जो रहते हैं वो ज़्यादा जो प्राइमेट्स है वो क्या करते हैं, अपने फल को छेद करने के लिए या पत्ते को छीलने के लिए या छाल के निशाब को चाटना या खुद की जो फर है उसे सवारने के लिए दांतों का व्यवहार कर लेते। पॉइंट 12 में क्या है, रिड्यूस्ड नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग, मतलब प्राइमेट्स की जो संतति की संख्या वो काफ़ी कम होने लगे, ठीक है। अब पॉइंट 13 में क्या लिखा है, मोस्ट ऑफ द प्राइमेट्स आर डायउर्नल बट प्रोसिमियंस आर नॉक्टर्नल, मतलब ज़्यादातर जो प्राइमेट्स है वो दिनचर है, मतलब उन्हें दिन में दिखाई देते हैं, बट जो प्रोसिमियंस है उन्हें रात को ही दिखाई देते हैं, ठीक है, वो रात में दिखने की क्षमता रखते हैं। पॉइंट 14 में क्या है, दे हैव टेंडेंसी टू होल्ड बॉडी अपराइट, मतलब प्राइमेट्स अपने पिछले पैर के सहारे क्या होता है ग्रेविटी के अगेंस्ट जाकर खड़े होने की कोशिश करता है। पॉइंट 15 मतलब यही लास्ट पॉइंट है फीचर्स की, दे आर इमोशनल एंड सोशल, प्राइमेट्स जो होते हैं, ठीक है, जैसे ग्रेट एप्स जिसे कहा जाता है, जैसे शिम्पांजीज गोरिल्लास जो होते हैं वो ह्यूमन बींग्स की जैसे ही अनुभवशील है, इमोशनल है, ठीक है, साथ ही साथ सोशल है, ग्रुप्स में रहना पसंद करता है, ठीक है। What is the major events in primates evolution? मतलब primates की evolution को लेकर महत्वपूर्ण घटनाएं क्या था? तो point one में क्या है? The first primate-like mammals or proto-primates known to be plesiadipes. मतलब जो पहला primate-like mammal था या proto-primate था उन्हें plesiadipes कहा जाता था, मतलब plesiadipes ही है वो, ठीक है। और based on fossils and molecular evidences, the first primates may have evolved in the early Paleocene epoch around 60 million years ago. मतलब जो fossils मतलब जीवाश्म या molecular evidences से पता चलता है, जो पहला primate like mammal Placerdipes था वो 60 million years ago पहले early Paleocene में दिखे थे, ठीक है। और जो प्लेसियाडिपीज थे वो दिखने में कैसा था, काफ़ी लेमूर लाइक थे, 2.5 feet थे, लंबी पूछ थे उनका, ठीक है, क्लॉज थे पर उनके नेल्स नहीं थे, जो लिम्स थे वो काफ़ी चुस्त था, ठीक है, और दे वेयर एडोप्टेड टू एन आर्बोरियल वे ऑफ लाइफ इन द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। मतलब प्लेसियाडिपीज या जो फर्स्ट प्राइमेट लाइक मैमल्स थे वे सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में, ठीक है, अर्बोरियल वे ऑफ लाइफ मतलब पेड़ में रहना पसंद करते, मतलब पेड़ में जाकर उनका फल खाना पत्ते खाना पसंद करते थे, ठीक है। दे वर फाउंड इन यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका, मतलब 1977 में पहले जो फ्रांस में ही प्लेसियाडिपीज का जीवाश्म आविष्कार हुए थे, और नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में ही दिखा जाता है प्लेसियाडिपीज का आवास था। पॉइंट नंबर 2 में क्या है, फर्स्ट ट्रू प्राइमेट्स एंसेस्टर
टू प्रोसिमियंस इवॉल्व इन द बिगिनिंग ऑफ द यॉसिन इपॉक अराउंड 55 मिलियन ईयर्स एगो एंड दे वर सिमिलर इन फॉर्म टू प्रेजेंट डे प्रोसिमियंस। मतलब पहला जो ट्रू प्राइमेट मतलब जो थे वो सब प्रोसिमियंस के एंसेस्टर्स थे और दिखने में भी ये प्रोसिमियंस के जैसा ही था और वे यूसिन इपॉक में अराउंड 55 मिलियन ईयर्स पहले धरती में आए थे। पॉइंट नंबर थ्री में क्या है, एंथ्रोपॉइड्स एंसेस्टर्स ओल्ड वर्ल्ड एंड न्यू वर्ल्ड मंकीज बोथ अपीयर्ड इन द ओलिगोसीन इपॉक। मतलब एंथ्रोपॉइड्स के जो एंसेस्टर्स थे ओल्ड वर्ल्ड मंकीज और न्यू वर्ल्ड मंकीज वो दोनों ही ठीक है ओलिगोसीन इपॉक में आविर्भाव हुए अपीयर्ड हुए। यह भी एक बात मैं बोलनी चाहती हूँ कि जो ओल्ड वर्ल्ड मंकीज है ठीक है उनका जो साइंटिफिक नेम है वो है कैटरिनी और न्यू वर्ल्ड जो मंकी है उनका साइंटिफिक नेम है प्लेटरिनी। अब ओल्ड वर्ल्ड मंकीज जो है वो अफ्रीका और एशिया में पाए जाते हैं, वो 35 मिलियन ईयर्स पहले आए थे और जो न्यू वर्ल्ड मंकीज है वो 30 मिलियन ईयर्स पहले आए थे। ठीक है अब एक लास्ट लाइन है क्या है, इट इज बिलीव दैट ग्रुप्स ऑफ ओल्ड वर्ल्ड मंकीज ड्रिफ्टेड टू साउथ अमेरिका फ्रॉम अफ्रीका ऑन लॉग्स और विथ फ्लोटिंग आइलैंड्स। मतलब ये अनुमान किया जाता है कि जो ओल्ड वर्ल्ड मंकीज है उनके एक ग्रुप लकड़ी का कुंदा या जो तैरता हुआ टापू है उनसे अलग होकर अफ्रीका से साउथ अमेरिका पहुंचे। पॉइंट फोर इज द लास्ट पॉइंट, ठीक है क्या है, एंथ्रोपॉइड्स एंसेस्ट्रल टू एप्स अपीयर्ड इन द मायोसिन इपॉक अराउंड 25 मिलियन ईयर्स एगो। मतलब एप्स के जो एंसेस्टर्स थे वो मायोसिन इपॉक में 25 मिलियन ईयर्स पहले आए थे। अब देखो क्लासिफिकेशन ऑफ प्राइमेट्स में क्या है, जो प्राइमेट्स है वो एक ऑर्डर है। अब इस प्राइमेट को दो सब ग्रुप या सब ऑर्डर में डिवाइड किया गया है। तो पहला क्या है उसका जो सब ऑर्डर स्ट्रेप्सिरिन और इन्हें प्रोसिमियंस भी कहा जाता है, तो स्ट्रेप्सिरिन प्रोसिमियंस के साइंटिफिक नेम है। और दूसरा है हैप्लोरिन, हैप्लोरिन मतलब है एंथ्रोपॉइड्स जो होते हैं, मतलब एंथ्रोपॉइड्स का साइंटिफिक नेम है हैप्लोरिन। अब जो स्ट्रेप्सिरिन है उन्हें तीन इन्फो ऑर्डर में डिवाइड किया जाता है, पहला है लेमुरीफॉर्मिस, दूसरा है लॉरिजीफॉर्मिस और तीसरा जो है वो है टर्शीफॉर्मिस। और ये सारे के सारे ना लिविंग स्पीसीज हैं। ठीक है अब देखो हैप्लोरिनी को कितने इन्फो ऑर्डर में डिवाइड किया है, दो, मतलब एक है कैटरिनी और दूसरा है प्लेटरिनी। अब जो कैटरिनी है उनमें ओल्ड वर्ल्ड मंकीज एप्स एंड ह्यूमन बींग्स आते हैं और जो प्लेटरिनी है उनमें न्यू वर्ल्ड मंकीज आते हैं। ठीक है नेक्स्ट वीडियो में हम इस प्रोसिमियंस और एंथ्रोपॉइड्स के ऊपर ही डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।